This video surfaced out of China, and it looks like their city is floating in the clouds. Of course, we can't verify if the video is real or not. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to my knowledge. And guys, aaj ki video mein hum baat karne wale hain the false गॉड प्रोजेक्शन के बारे में। ये एक अजीबो गरीब किस्म की एक थ्योरी है। एक थ्योरी से जिनका नाम है सर्च मोनास। उन्होंने इस थ्योरी को 1990s में लोगों के सामने रखा। उनके हिसाब से नासा और इल्यूमिनाटी वाले मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसमें हर किस्म के गॉड जैसे कि जीसस बुद्धा जिस यहाँ पर भी ना जिस धर्म की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर उन धर्म के गॉड को वहाँ पर प्रोजेक्ट किया जाएगा सैटेलाइट के मदद से और उनको दीवाना बनाया जाएगा। सर्च मोनास था कौन? सर्च मोनास एक मशहूर जर्नलिस्ट था। ये मशहूर था इल्यूमिनाटी की सीक्रेट मीटिंग को लीक करने में और उनकी हाइड बातों को पब्लिक करने। 1994 में उसने एक थ्योरी लोगों के सामने रखी थी जिसमें उसने कहा था कि नासा वाले और इल्यूमिनाटी वाले एक नया धर्म इस्टेब्लिश करेंगे जहां पूरे रिलीजन मिलकर एक रिलीजन बनाएंगे जिसमें एक अजीब किस्म का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट ब्लू व्हील, जिसमें फेक मसीहा आने से पहले एक सेट बहुत सारे सैटेलाइट्स के जरिए प्रोजेक्ट बनाते थे जिसमें ना जहां पर भी जो धर्म ज़्यादा होता है वहां पे वो उस धर्म के गॉड को प्रोजेक्ट करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये लोग एंटी क्राइस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। गाइस, जो हमारे लिए जो दज्जाल है वो उनके लिए खुदा, वो क्यों मानते हैं उसके ऊपर मैं अभी आगे उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। जैसे ही उसने ये बात लीक करा, पुलिस उसके घर आई, उस सर्च मोनास को अरेस्ट कर दी और उसके अगले ही दिन उसके घर में उसकी लाश मिली। बोला जाता है पुलिस वालों की तरफ से कि सर्च मोनास की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उसको अरेस्ट करने का रीज़न उन्होंने ये बताया कि वो नासा को बदनाम करने की साजिश रच। ये लोग प्रोजेक्ट ब्लू व्हील को 4 मेन स्टेप में डिवाइड करें। सर्च मोनास के हिसाब से जो पहला जो नंबर है वो है क्रिएशन ऑफ अर्थ को, जिसमें जो भूकंप आएगा उसमें पुराने ज़माने की बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, कुछ मूर्तियाँ निकलेंगी, कुछ ये वो निकलेगा, जिसमें जो वो बता रहा है कि उसमें जो मूर्तियाँ निकलेगी उसमें से ना जो धर्म के जो लोग हैं उनको भड़काने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उनको कहा जाएगा कि ये ना जो तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो वो असली धर्म नहीं है, यानी कि लोगों को अपने धर्म से ही कन्फ्यूज़ किया जाएगा कि हम सही धर्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, यानी कि लोगों को अपने रिलीजन पे ही डाउट करने की कोशिश की जाएगी। अब आप लोग बोलोगे कि ये भूकंप अर्थक्वेक ये तो प्रकृति की तरफ से ही होता है, इंसान इसे कैसे कर सकता है। तो गाइस, इन्होंने इसके ऊपर भी एक टेक्नोलॉजी बना चुकी है। गाइस, जो अभी अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें यहाँ पे भी बंजर जगह है वहाँ पे एयर जहाँ पे बंजर जगह है उसके ऊपर बादल है उसको वहाँ पर है ना प्लेन की मदद से है ना कुछ केमिकल को ड्रॉप किया जाता है जिसकी मदद से बारिश होती है। वो पूरी तरह से तो मैन मेड नहीं है, कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन फिर भी वो बारिश जो होती है उसमें थोड़ा बहुत इंसान का हाथ रहता है। इसी तरह से एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हार्प टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर भी मैं अभी वीडियो बनाऊँगा। तो हार्प टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा भूकंप क्रिएट किया जाता है। वैसे ही ये लोग भूकंप लाएंगे। गाइस, इनके पास बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम जल्द ही वीडियो लाएंगे। 2012 में रिकॉर्ड बना हुआ है कि दुनिया में 40 अर्थक्वेक आए थे। दूसरा जो पॉइंट है वो है जायगेटिक स्पेस शो। गाइस, इसमें क्या होगा, जिसमें जहाँ पर भी जिस धर्म की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ के आसमान में सैटेलाइट की मदद से एक होलोग्राम बनाया जाएगा जिसमें उस धर्म के खुदा की फ़ोटो लगाई जाएगी। थ्री डायमेंशनल होलोग्राम में ये लोग क्या करेंगे, आसमान में बहुत सारे सैटेलाइट को स्टेब्लिश करेंगे
और उसमें प्रोजेक्टर रहेंगे बहुत बड़े बड़े। ये लोग क्या करेंगे, आसमान में बहुत सारे सैटेलाइट्स को इस्टेब्लिश करेंगे और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टर रहेंगे और इसी से वो फेक होलोग्राम क्रिएट करेंगे। तो गाइस आप बोलेंगे कि ऐसा भी पॉसिबल है? तो गाइस रिसेंटली अभी बहुत सारे लोगों ने, गाइस एक दो भी नहीं, बहुत सारे लोगों ने भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की है। ये वीडियो चाइना की है। This video surfaced out of China and it looks like their city is floating in the clouds. Of course, we can't verify if the video is real or not. जिस वीडियो में हमें नज़र आ रहा है कि बादल के ऊपर एक शहर नज़र आ रहा है, बाद में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बताया कि ये बारिश और कुछ नहीं बल्कि बारिश की वजह से रिफ्लेक्शन है। बाद में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस बात को पूरी तरह से दबा दिया। जैसा आपको मालूम है चाइना में रूल्स कैसे हैं। थर्ड पॉइंट है माइंड कंट्रोल। ये माइंड कंट्रोल रहेगा, टेलीफोनिक माइंड कंट्रोल। इनके जो सैटेलाइट हैं आसमान में वो एक ऐसे रेडियो वेव भेजेंगे, एक ऐसी आबादी में वो साउंड को भेजेंगे जहाँ पे उस साउंड को भेजेंगे उसमें से जो भी वहाँ पे आबादी है वो लोग हैं जो आसमान में होलोग्राम क्रिएट होगा उनको देख रहे होंगे, उनके कानों में ऐसी आवाज़ जाएगी कि उनको मतलब कि ना धीमी ऐसी आवाज़ जाएगी कि ये तुम्हारा खुदा है, ऐसी आवाज़ें जाएंगी। टेलीपैथी क्या है? इसका मतलब हैगा कि बिना बात करे अपने रेडियो वेव के जरिए सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल कर, मतलब खाली इशारों में देखकर एक दूसरे की बात को समझ जा। सर्ज मोनास ने यह भी बताया था कि यूएसए मंकी के ऊपर एक ऐसी वेव छोड़े थे जिसमें मंकी को बिना बात किए उसके हाथ पैर हिलाए, टेलीपैथी कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसे वेव छोड़े जिससे क्या है उस मंकी का जो माइंड था वो अपने मतलब उस वेव के थ्रू जो भी सिग्नल जा रहा था उसके थ्रू ही सिमुलेट कर रहा था, उसके जो सिग्नल जा रहा है उसके थ्रू वो मूवमेंट कर रहा। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो है एलियन अटैक। मतलब कैसे, मतलब कि माइंड कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर उनके पास एक और वो होगा, मतलब कि वो लोगों को ऐसा बताएंगे कि अब हमारी धरती खतरे में, हमारे धरती की ओर एलियन आ रहे हैं, हमारे पृथ्वी के पार एक यूएफओ दिखाए, ऐसा वैसा कई बहाने बनाएं। ये लोग एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि हमारी दुनिया पर एलियंस आ चुके हैं और वो इंसानों को मार रहे हैं। वो क्यों? इसका एक कारण है, उनका एक मकसद है कि पूरी दुनिया एक हो जाए, मतलब कि NWO आ जाए। इसका फुल फॉर्म तो नहीं बता सकता आपको, लिखा हुआ आ जाएगा। NWO से क्या होगा, मतलब कि है ना पूरी दुनिया जुड़ जाएगी, उसमें एक लीडर हो जाएगा, उससे क्या होगा कोई भी उसके ऊपर खिलाफत कायम नहीं कर, मतलब कि लोगों को यह बहाना बताना कि ना हमारी दुनिया पर एलियंस का अटैक हो चुका है, हमारी दुनिया खतरे में है, ये करके हमारी दुनिया मतलब कि ना जो भी देश है सब देशों को जोड़कर NWO बनाएंगे। NWO बनाने का आपको पता ही है, दज्जाल को यहाँ पर लाना, बिना NWO को इस्टेब्लिश करे दज्जाल हमारी दुनिया पर नहीं आ सकता है। हमारी जो बहुत सारे रिलीजन बुक हैंगी जैसे कि हमारी कुरान हो गया और क्रिश्चियन की बुक में भी लिखा है। ये थे चार पॉइंट, हो सकता है कि उसके अंदर एक दो पॉइंट शायद से कुछ प्रपोज थ्योरी हो सकता है, वैसे जैसे एलियन अटैक जैसा है थोड़ा वैसा हो गया। मुझे भी वही लगा, मेरे को लगा कि ज़्यादा ओवर हो जाएगा, मतलब कि लोग नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन ऐसा भी हो सकता है एलियन की जगह और कुछ चीज़ लिया जैसे कि ना जिन मिल लिया ऐसे भला वाला, मतलब कि कुछ भी लिया। ये थे चार पॉइंट सर्च मोनास के, जब उसने ना इस पॉइंट को डिक्लेयर किया उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उसने एक चीज़ ये और बोली थी कि ये सब जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि जितने भी पेपर करेंसी हैगी वो सब डिजिटल करेंसी नहीं बन जाती। गाइस ये उसने 25 सालों पहले बोला था
और अभी देख सकते हो अभी वैसा ही हो रहा है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय।